महेश इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र के सीएम और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और प्रवक्ता संजय राउत के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र के सीएम पर मुकदमा दर्ज कराने वाला कोई और नहीं एडवोकेट कमलेश चंद्र त्रिपाठी हैं। एडवोकेट कमलेश चंद्र त्रिपाठी का आरोप है कि उद्धव ठाकरे ने हिंदुओं के साथ छल किया है, उन्हें बरगला कर उनका वोट लिया है और भगवा आतंकवाद कहने वालों के साथ मिलकर सरकार बना ली है। इससे हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं। इसी को लेकर वाराणसी के एसीजीएम कोर्ट में मुकदमा दाखिल कराया है। धारा 417, 416, 120B के तहत दर्ज किया गया है। संबंधित धाराओं में दोषी पाए जाने पर 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी की प्रवक्ता संजय राउत के विरुद्ध एसीजीएम 6 नेहा रुंगटा की अदालत में मुकदमा दाखिल किया गया। इनके द्वारा छल, धोखाधड़ी और जालसाजी की गई हिंदुओं के साथ स्वयं को प्रखर हिंदू योद्धा, प्रखर हिंदुनिष्ठ और प्रखर हिंदू रक्षक दर्शित करके लोगों से मत, समर्थन, समर्पण और सहयोग प्राप्त किया गया। उसके बाद उन लोगों के साथ सांठगांठ की गई, लालच में, स्वार्थ में, जिनके द्वारा हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद की व्यूहरचना की गई थी, हिंदू सनातन धर्म को नष्ट करने की। मेरे द्वारा 417, 416, 120 भारतीय दंड संहिता के तहत मुकदमा दाखिल किया गया। 3 वर्ष की सजा है। ये छल द्वारा प्रतिरूपण होता है कि आप हैं कुछ, अपने को दर्शित कुछ करते हैं और वो दर्शित करके आप जो है लोगों से उनका मत, समर्थन और समर्पण, सहयोग प्राप्त करते हैं। बिल्कुल हिंदुओं के साथ, हिंदुत्व के साथ, सनातन धर्मियों के साथ छल किया गया है। आप अपने को प्रबल और प्रखर हिंदुनिष्ठ योद्धा दर्शित करते हैं, जबकि आप वो हैं नहीं। आप हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद की रचना करने वाले लोगों की गोंद में जाकर बैठ जाते हैं। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।